बिहार सरकार पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सरकार कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुटी है। इसमें पटना के गंगा तट पर इको सेंटर को पूरा करने के लिए पूरे लगन से जुटे हैं। ये प्रोजेक्ट 2018 के जून महीने तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में गंगा किनारे 16 घाटों को कनेक्ट किया जाएगा। इससे गंगा के किनारे की सुंदरता निखर जाएगी। पंजाब केसरी के संवाददाता संजीव कुमार ने इस प्रोजेक्ट के मैनेजर से खास बातचीत की और उनसे प्रोजेक्ट के हर पहलू पर चर्चा की। हमारे साथ है यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर, जो अभी काम चल रहा है पटना सौंदर्यीकरण के लिए। आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं कि इनका जो यह योजना है, इनकी कंपनी की तरफ से जो योजना है, कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इससे पटना वासियों को कितना फायदा होने वाला है पटना की सुंदरता के लिए। जी, हमारे पीछे जो बिल्डिंग है वो इको सेंटर, इसको हम लोग मार्च 18 में कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट में टोटल ये 16 घाट है, 16 घाट में 12 कंप्लीट है और 4 में फिनिशिंग का चल रहा है, वो भी इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगा। बाकी घाट को कनेक्टिंग प्रोमनेड है, प्रोमनेड 5 किलोमीटर है, उसमें से हम लोग 4.3 किलोमीटर कर चुके हैं। 700 मीटर प्रोमनेड बचा हुआ है, ये हम लोगों का जून 18 तक में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो इस कंपनी के हैं बता रहे हैं कि जून 2018 जून तक यह काम इनका पूरा हो जाएगा और एक पटना को और पटना वासियों के लिए गंगा तट के किनारे एक जो यहाँ का एक नया नजरिया देखने को मिलेगा, इससे पटना वासियों को काफी राहत मिलेगी और पटना को सुंदर शहर बनाने में इनका काफी सहयोग, जैसा कि बता रहे हैं कि होता हुआ नजर आ रहा है और जून 2018 में यह काम पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी न्यूज पटना। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।